हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हमारा आज का सेशन अगेन इनकम टैक्स के एम पे है हमने इनकम टैक्स पे ऑलरेडी 150 फिफ्टी डिस्कस कर लिए हैं उनकी क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है अगर वो क्लासेस अभी तक आपने नहीं की है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड साथ ही साथ उसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी आज हम लोग नेक्स्ट फिफ्टी एम सी क्यूज़ डिस्कशन करने वाले हैं लास्ट क्लास में हमने जो टोटल एम सी क्यूज डिस्कस किए थे ना वो नंबर ऑफ एम सी क्यूज फोर्टी एट ही थे तो बाकी दो भी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे रिमेनिंग टू देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है पेंशन इज टैक्सेबल अंडर डैश हेड पेंशन की टैक्सेबिलिटी हमेशा अंडर द हेड सैलरी होती है सैलरी रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज़ टैक्सेबल अंडर द हेड जो भी सैलरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिसीव करते हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बनती है तो करेक्ट आंसर होगा डी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नेक्स्ट अ पर्सन इज़ नॉन रेसिडेंट इफ ही फेल्स टू फुलफिल एक पर्सन को नॉन रेसिडेंट मान लिया जाएगा अगर वो एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल ना करे तो क्योंकि अगर एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा तो रेसिडेंट बन जाता है इसीलिए अगर एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल ना करे दो बेसिक कंडीशन होती हैं तो वो क्या बन जाएगा नॉन रेजिडेंट करेक्ट आंसर होगा बी एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज़ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अगर इंडिया में इनकम रिसीव हो रही है तो वो रेसिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगी नॉन रेसीडेंट के केस में भी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट रेसीडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरली रेसीडेंट हर की, की हर किसी केस में हर असीसी के केस में ये टैक्सेबल होगी करेक्ट आंसर होगा डी ऑल असीसीज नेक्स्ट डैश इज एग्जेमटेड फ्रॉम इनकम टैक्स इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी डिविडेंड फ्रॉम फॉरन कंपनी कोऑपरेटिव डिविडेंड डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी देखो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें अब यहाँ पे हम एक पॉइंट डिस्कस करने की कि फ्रॉम इंडियन कंपनी ये पहले एग्जेम्ट था कि जो भी डिविडेंड आपको इंडियन कंपनी से मिलता था उस पर क्योंकि इंडियन कंपनी ही टैक्स पे कर देती थी इसीलिए उस डिविडेंड को शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्ट माना जाता था बट अब ये एग्जेम्प्ट नहीं होता अब अगर आपको किसी इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना हो इसी टॉपिक पे हमने लास्ट सेशन में भी एक क्वेश्चन कराया था लास्ट सेशन में हमने जो क्वेश्चन कराया था वो था क्वेश्चन नंबर 19 की डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी अब अगर इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड मिलेगा वो फुली नहीं होगा वो फुली टैक्सेबल होगा और इसका रूल सिर्फ इतना है ना कि पहले क्या था थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी तक क्या था कि जो भी डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती थी या डिक्लेयर करती थी उस पर कंपनी डीडीटी पे करती थी दैट इज़ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अब थर्टी फर्स्ट थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी के बाद से ये डीडीटी का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया और क्योंकि डीडीटी का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया इसीलिए फर्स्ट अप्रैल 2020 से अब जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा इंडियन कंपनी से वो शेयर होल्डर के हाथ में और हम कह सकते हैं इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल होगा अच्छा एक और पॉइंट हम बता दें चुकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फर्स्ट अप्रैल टू से ये चीज़ एप्लीकेबल है कि जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर कंपनी टी काटेगी और ये टी कितना कटेगा टेन परसेंट जो भी डिविडेंड इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि फाइव थाउजेंड के एक्सेस में उस पर वो टी डी काटेगी टेन परसेंट का ये एक पॉइंट इंट्रोड्यूस हुआ वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी से तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बहुत अच्छे से इस चीज़ को याद कर लेना कि जो भी इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा अब वो फुली टैक्सेबल होगा ना कि फुली एग्जैम्प्ट नेक्स्ट द इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन ब्रॉडली कवर्स बेसिक चार्जिंग इनकम रिबेट्स एंड रिलीफ्स, इनकम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द पव एनी रेंट और रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज इज अगर कोई भी रेंट या रेवेन्यू डिराइव्ड हो रहा है उस लैंड से जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है और वो इंडिया में सिचुएटेड है तो नो डाउट वो एग्रीकल्चरल इनकम है और वो कंप्लीटली एक्जम्प्ट होगी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी इनकम कम्यूटेड पेंशन इंक्लूड होता है अनकम्यूटेड पेंशन भी होता है लीव सैलरी भी होता है बट फैमिली पेंशन ये अदर सोर्सेज में आता है ना कि सैलरी इनकम में नेक्स्ट इन केस ऑफ टैक्स फ्री सैलरी अगर टैक्स फ्री सैलरी है तो टैक्स कौन पे करेगा एम्प्लॉयर नेक्स्ट डी ए दैट इज डी अलाउंस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ डीएनएस अलाउंस पे कहीं कोई एग्जेम्पन नहीं है चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो हर एम्प्लॉय पे इसकी टैक्सेबिलिटी होगी तो करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट, अ पर किस कैश पेड बाय एम्प्लॉय टू इम्प्लॉय फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू इम्प्लॉय पर क्या है एक फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन अंडर सेक्शन सेवनटीन बी द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन्स टू इंप्लॉयज इज डिटर सेम परेशन मैं सिंपली ये चीज़ कह रहा है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को अगर कम रेट पे लोन प्रोवाइड करते हो तो फिर उस केस में आप उस पर इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हो जो भी एसबीआई का लेंडिंग रेट होता है उसी को बेस रख के फिर हम कंसेशनल रेट कैलकुलेट करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा ए नेक्स्ट एन एम्प्लॉयज डीम्ड एज ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉई इफ़ ही इज अ डायरेक्टर इन द कंपनी और ए सब्सटैंशियल पोजिशन इन द कंपनी और इज चार्जेबल सैलरी पर एनएम एक्सीड्स रुपीज नेक्स्ट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉज शैल बी टैक्सेबल अप टू अब देखो क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जा रहा है तो उस केस में जो भी लाइसेंस फी गवर्नमेंट फिक्स करेगा उसी के केस उसी के बेसिस पे इम वैल्युएशन करते हैं वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन अ हाउस ओन बाय एम्प्लॉयर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अब यहाँ देखो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूछा है प्लस ये कह रहा है कि जो घर आपको रेंट पे दिया गया वो एम्प्लॉयर ने खुद खरीदा हुआ है तो इसमें ना तीन कंडीशन है तीनों कंडीशन हम यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है और पहली कंडीशन है कि वो हाउस ओन्ड है बाई एम्प्लॉयर उस केस में अगर पॉपुलेशन टेन लाख से कम है तो सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ सैलरी के बेसिस पे वैल्यूएशन होगी अगर पॉपुलेशन टेन लाख से ज़्यादा है बट ट्वेंटी फाइव लाख से कम है तो उस केस में टेन परसेंट ऑफ सैलरी के बेसिस पे वैल्यूएशन होगी एंड अगर पॉपुलेशन ट्वेंटी फाइव लाख से ज़्यादा है तो फिर फिफ्टीन परसेंट ऑफ सैलरी के बेसिस पे वैल्यूएशन होगी और क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है कि अबव ट्वेंटी फाइव लाख पॉपुलेशन तो इस केस में वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे फिफ्टीन परसेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ सैलरी अच्छा अगर मान लो यहाँ पे हाउस ओन बाई एम्प्लॉयर नहीं होता बल्कि हाउस हायर्ड बाई एम्प्लॉयर होता मतलब एम्प्लॉयर ने भी इसको खरीदा नहीं है हायर पे लिया है तो उस केस में अवैलुएशन कैसे करते हैं जितनी भी एक्चुअल लीज का पेमेंट हो रहा है और फिफ्टीन परसेंट ऑफ सैलरी जो भी लेस होता ना उसके बेसिस पे वैल्यूएशन करनी होती तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में सिर्फ इतना ही पॉइंट ही था और वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया एज पर क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन आर पी एफ बैलेंस इज एक्जेंटेड अप टू ये एक्जेंट होता है नाइन पॉइंट फाइव परसेंट तक एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर पी एफ इज एग्जेम्प्टेड अप टू ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी उसके बाद जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो टैक्सेबल होगा द इनकम ऑफ़ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन अगर प्रीवियस ईयर की इनकम है तो नो no डाउट वो असेसमेंट ईयर में ही टैक्सेबल होती है इमीडिएटली सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर नेक्स्ट द इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ये कभी भी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता नेक्स्ट द सैलरी रेमनोरेशन और कंपनसेशन रिसीव बाय द पार्टनर्स इज टैक्सेबल अंडर द हेड अब सैलरी भी रिसीव हो रही है रेमनोरेशन भी रिसीव हो रहा है और कंपनसेशन भी किसको पार्टनर्स को तो ये पीजीबीपी का पार्ट बनेगा दैट इज प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन करेक्ट आंसर होगा बी इनकम फ्रॉम बिजनेस नेक्स्ट द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी ये हमेशा फुल्ली एग्जैम्टेड होता है पहला ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और दूसरा डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी है नेक्स्ट अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द सैलरी ड्यू इन प्रीवियस ईयर इन इवन इफ इट इज़ नॉट रिसीव्ड इज टैक्सेबल भले रिसीव नहीं हुए पर आगे तो रिसीव होगी वो टैक्सेबल होती है द ससी कैन क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन एटी नाइन सबसेक्शन वन फॉर अरियर्स और एडवांस सैलरी नेक्स्ट द पेमेंट ऑफ ग्रैचुटी एक्ट केम इन टू फोर्स इन नाइनटीन सेवेंटी टू Deduction from GTI is allowed under Section 80C up to lower of the qualifying amount or a maximum of अब देखो सेक्शन 80C में मैक्सिमम जो डिडक्शन uh, है वो है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का पहले था वन लाख का और अब ये लिमिट बढ़ा दी गई है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तक तो ये इसको आंसर को करेक्ट कर लेना करेक्ट आंसर होगा सी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड नेक्स्ट प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एन इ लीगल बिजनेस इ लीगल बिजनेस से जो भी आप प्रॉफिट अर्न करोगे वो हमेशा टैक्सेबल होता है नेक्स्ट मेडिकल री इज एग्जेम्ड अप टू इफ ट्रीटमेंट इज डन इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल देखो ये पॉइंट भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लें क्योंकि इससे भी रिलेटेड अमेंडमेंट आया है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है हमने एक पॉइंट बताया था कि जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस है दैट इज कन्वेंस अलाउंस पहले सिक्सटीन हंड्रेड पर मंथ या हम कह सकते हैं कि पूरे साल का नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड का डिडक्शन मिलता था और वैसे ही अगर मेडिकल अलाउंस की बात करें ना तो मेडिकल अलाउंस अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को प्रॉपर बिल्स प्रोवाइड किए हैं तो फिफ्टीन थाउजेंड तक एग्जैम्प्ट था अब क्या किया है ना कि इन दोनों को ही हटा करके नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड प्लस फिफ्टीन थाउजेंड को हटा करके उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन देना स्टार्ट किया फिफ्टी थाउजेंड का और स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक एम्प्लॉय को मिलता है तो ये फिफ्टीन थाउजेंड की लिमिट और ये नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड की लिमिट कहाँ मर्ज हो गई है इस स्टैंडर्ड डिडक्शन में तो क्या ट्रैवलिंग अलाउंस का कोई भी डिडक्शन या एग्जेम्पन मिलता है नो मेडिकल अलाउंस का कोई भी डिडक्शन या एग्जैम्पन मिलता है नो no. क्लियर तो अब अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि मेडिकल रीइम्बर्समेंट इज एग्जेम्प्ट अप टू नील पूरा का पूरा टैक्सेबल टैक्सेबुलता है क्यों क्योंकि उसके लिए आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है क्लियर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैम्प फॉरन अलाउंस ये हमने पहले भी बताया हुआ है फ्री फूड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज इज एग्जैम्प्ट अप टू पर मील कितने मील तक है रुपीज फिफ्टी पर मील नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी रेमनरेन पे टू द लेक्चरार ऑफ अ कॉलेज फॉर सेटिंग अ क्वेश्चन पेपर ये अदर सोर्सेज है सैलरी रिसिव बाय मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट ये भी अदर सोर्सेज है कमीशन रिसिव बाय एन एम्प्लॉज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा तो करेक्ट आंसर होगा डी बोथ ए एंड बी

द फैमिली पेंशन रिसीव बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय इज एक्जेप्टेड आफ्टर फुलफिलिंग ऑफ सर्टन कंडीशन द इंटरटेनमेंट अलायंस इज एप्लीकेबल टू इंटरटेनमेंट अलायंस किस पे अपलीकेबल होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे नेक्स्ट द इंटरटेनमेंट टैक्स अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन सिक्सटीन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज द लीट ऑफ फॉलोइंग अब यहाँ पे देखो तीन क्राइटेरिया दिया हुआ है और अगर हम इंटरटेनमेंट अलाउंस की या इंटरटेनमेंट टैक्स अलाउंस की बात करें तो डिडक्शन किसको अलाउ होता है ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पहली लिमिट उसमें फाइव थाउजेंड है दूसरी लिमिट ट्वेंटी परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी और हम कह सकते हैं सैलरी एक्सक्लूसिव ऑफ एनी अलाउंस बेनिफिट और अदर पर्कसिट है एंड थर्ड है. है जो भी आपको एक्चुअल रिसीव्ड हुआ इन तीनों में से जो भी लीस्ट फिगर आएगी उसी का आपको डिडक्शन मिलेगा इंटरटेनमेंट टैक्स अलाउंस के तौर पर क्लियर तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द बव और ये जो डिडक्शन ये मिलता है सेक्शन सिक्सटीन सबसेक्शन टू में तो इंटरटेनमेंट टैक्स अलाउंस में और कोई भी अलाउंस या कोई भी एग्जेम्पन नहीं मिलता सिर्फ यही एग्जेम्पन आपको मिलेगा और वो भी तब मिलेगा जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नेक्स्ट इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ये सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट केस में टैक्सेबल होगा बाकी किसी के केस में टैक्सेबल नहीं होगा जी कैसे अराइव्ड होती है जो पांच हेड हमने इनकम की बताई थी पांचों हेड को पाँचों हेड की इनकम को ऐड करने पे आपकी जी आएगी नेक्स्ट इन कैशमेंट ऑफ ओन लीव इज़ गिवन बाय डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन करेक्ट आंसर होगा सेक्शन टेन सब सेक्शन टेन डबल ए अच्छा लीव एंड कैशमेंट सैलरी की भी बात करें तो इस पर भी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर लेते हैं अब देखो अगर लीव इन कैशमेंट की बात करें ना तो लीव इंड कैशमेंट मतलब क्या है कि जो आपने छुट्टी ली है उसके बदले आप उसको आप कन्वर्ट करे हो कैश में तो अगर ये आप लीव एंड कैशमेंट करा रहे हो जिस टाइम आप सर्विस में हो जिस टाइम आप जॉब कर रहे हो उस टाइम अगर आप लीव एंड कैशमेंट करा रहे हो तो वो फुली टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी और उसका रिलीफ आप ले सकते हो अंडर सेक्शन एटी नाइन बट अगर आपने रिटायरमेंट के टाइम या रेजिग्नेशन के टाइम इस इन कैशमेंट को कराया है तो उस केस में वो कभी फुल्ली भी एग्जाम्ड होती है और वो कभी पार्शली भी एग्जाम होती है क्लियर फुली एग्जेम्ट होगी किस किस के केस में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो फुली एग्जैम्ट होगी अगर लीगल हायर ने मतलब जिस पर्सन को रिसीव करना था उसकी डेथ हो गई और उसके बिहाफ पे लीगल हियर ने रिसीव किया लीव इन कैश तो भी फुली एग्जेप्ट होगी और पार्शली किस केस में होगी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो पार्शली एग्जेप्ट होगी और पार्शली टैक्सेबल होगी जो पोर्शन टैक्सेबल होगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगा अदरवाइज एग्जैम्ट हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन वॉल्ट्री रिटायरमेंट इज गिवन बाय ये रिसीव हुआ है किस सेक्शन में ये रिसीव्ड होता है किस सेक्शन में सेक्शन टेन सब सेक्शन टेन सी द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड सैलरीज रेमुनरेशन रिसीव बाय अ पार्टनर ये सैलरीज का पार्ट नहीं माना जाता नेक्स्ट द फॉलोइंग इज एग्जैम्ट इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स ये ओवरऑल फोर्टी एम सी आज के सेशन में ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग फोर्टी टू फिफ्टी एम सी डिस्कस करेंगे अगर आज के सेशन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो एंड अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो so दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू तो इनकम टैक्स एक्ट आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच